नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से लव वर्ड से गुलाब का बहुत ही खूबसूरत सा चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और हो सके तो आप मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। आपको इस तरह एल लेटर लिखना होगा। एल लेटर लिखने के बाद यहाँ पर आप दोस्तों बहुत ही आसानी से एक ओ लेटर लिख देंगे। फिर गाइस, जस्ट इसी के ऊपर ही आपको एक वी लेटर यहाँ पर लिखना होगा। फिर ई लेटर आप इसके अंदर लिख दीजिएगा। इस तरह आपको लव लिखना होगा। अब ध्यान से देखिएगा। अब आपको दोस्तों इस वाले पोर्शन से एल लेटर से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा। इसको हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे, फिर बाहर यहाँ पर ऐसे मिलाइए। इधर से नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मिलाना होगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो यह हमारी 100% गारंटी है, आपको गुलाब का चित्र बनाना आ जाएगा। इधर से नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करिएगा। छोटी सी लाइन आप अंदर की तरफ बढ़ाएंगे। लाइन बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको इधर से एक लाइन बाहर की तरफ इधर भी बढ़ाना होगा। हल्का सा ऊपर की तरफ करिएगा, अंदर बाहर की तरफ ले जाते हुए इधर मिलाएंगे। फिर इस वी लेटर की हेल्प से आपको ऊपर के साइड में गुलाब की पंखुड़ियाँ बनानी होंगी। इधर एक बनाइएगा, एक गुलाब की पंखुड़ी आप इधर भी ऐसे बना देंगे। अब आपको नीचे के साइड में एक बड़ा सा यू लेटर लिखना है दोस्तों, बहुत ही आसान है। यहाँ से इधर ले जाइएगा, ऊपर की तरफ आप एक बड़ा सा यू लेटर लिख देंगे। यू लेटर लिखने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ करिएगा, हल्का सा इधर अंदर बाहर की तरफ करेंगे। और गाइज, इसके बीच में आप यहाँ पर लाकर मिलाइएगा। ऊपर के साइड में आपको एक गुलाब की पंखुड़ी इधर ऐसे बनाना होगा। यहाँ से भी हम एक गुलाब की पंखुड़ी ऊपर के साइड में बना देंगे। नीचे की तरफ इधर बढ़ाइएगा और इधर हम ले जाएंगे, हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए यहाँ से टच करिएगा, इसको मिला दीजिएगा। इधर भी एक गुलाब की पंखुड़ी आप आसानी से बना देंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारा गुलाब का चित्र बन के तैयार होने वाला है। अभी हम आपको कलर भी करना सिखाएंगे। इधर से नीचे की तरफ करिएगा, डबल करिए, सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। रिपीट हो जाने के बाद इधर से ले जाएंगे, ये करिए एक बार यहाँ पर भी आप ऐसे रिपीट करिएगा। छोटा सा यहाँ पर हाफ हाफ सर्कल बनाएंगे, नीचे की तरफ बढ़ाइए, यहाँ से बढ़ाइएगा, फिर ऊपर इधर करेंगे। छोटे छोटे आपको कांटे भी बनाने होंगे दोस्तों, यहाँ से ऐसे करिए। इस साइड भी आपको कांटे बनाने होंगे। कांटे बनाने के बाद एक लाइन इधर करिएगा, आसानी से यहाँ पर डबल करिए। इसकी हेल्प से हम एक गुलाब की बहुत ही खूबसूरत सी पत्तियाँ बना देंगे। इधर से छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा। पहले इधर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको आप ऐसे डबल करिएगा, इधर से बढ़ाते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ से इसको मिलाइए, इधर छोटी छोटी लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आसानी से इस गुलाब के फूल को कलर भी करना सीख लेते हैं।